जॉइंट गोल्डन फिश आइलैंड सीक्रेट ट्रेजर, ये कहानी शुरू होती है आज से कई हजार साल पहले धरती पर एक रहस्य में जादुई टापू से। उस टापू पर हर जगह जादू था और जादुई जानवर भी उस टापू पर रहते थे। एक दिन राजा के कुछ सैनिक समंदर में गलती से रास्ता भटक कर उस जादुई टापू तक पहुंच गए। हम इतने दिनों से समंदर में भटक रहे हैं और अब तो हमारे जहाज पर सारा खाना खत्म हो गया है। चलो सामने इस टापू पर चलते हैं, क्या पता यहाँ इस टापू पर हमें खाने को कुछ मिल जाए। मुझे तो टापू बहुत खतरनाक भूतिया टापू लग रहा है। मैंने सुना था ऐसे टापू पर भूत रहते हैं। अगर तुम लोगों को इस टापू पर जाना है तो जाओ, मैं यहीं अपने जहाज पर रुकूंगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम तो उस टापू पर जा रहे हैं। वो सैनिक उस टापू पर पहुंच जाते हैं, उस टापू पर इधर उधर देखने लगते हैं। वैसे वहीं एक सैनिक को टापू पर एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब के पानी का रंग एकदम सोने जैसा था और वहीं उस तालाब के पास एक सोने का फूल भी लगा हुआ था। ये देखकर वो सैनिक बहुत खुश हो गया। वो सामने उस तालाब को देखो, उसका पानी एकदम सोने के रंग का है और उसके पास में वो एक सोने का फूल भी लगा हुआ है। मुझे तो ये एकदम जादू जैसा लग रहा है, चलो इसके पास जाकर देखते हैं ये क्या है। वो सैनिक उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं और एक सैनिक उस सोने के फूल को तोड़ने लगता है। सैनिक के वो सोने का फूल तोड़ते ही उस तालाब से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और उस तालाब के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक राक्षस निकलता है। तुम लोगों ने उस सोने के फूल को तोड़कर मुझे उस समंदरी दुनिया की रानी के शराब से आजाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बोलकर वो राक्षस उस सैनिक की आत्मा अपने अंदर खींच लेता है। बहुत मजा आ गया, अब मैं और भी ऐसे इंसानों की आत्मा छीनूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। जल्दी से इस टापू से निकलता हूँ और इंसानों को पकड़ने के लिए एक जाल बनाता हूँ। वो राक्षस उस टापू के बाहर पहुँच जाता है तो उसे उन सैनिकों का जहाज नजर आता है। वो राक्षस कुछ सोचता है और अपनी शक्ति से उस समुद्री जहाज को एक बहुत बड़ी विशाल सोने की मछली में बदल देता है और उस सोने की मछली के ऊपर एक टापू बना देता है, वहीं उस पर बहुत सारा खजाना भी बनाता है। उन इंसानों को पकड़ने का जाल तो तैयार हो गया है, अब जल्दी से इसे उन इंसानों को पकड़ने के लिए भेजता हूँ। जो भी इंसान इस टापू पर खजाना लेने आएगा मुझे उसका पता चल जाएगा और मैं तुरंत जाके उसकी आत्मा छीन लूंगा। वैसे वो राक्षस उस फिश आइलैंड को समंदर में आगे भेज देता है। वहीं समुद्री दुनिया की रानी को भी उस राक्षस के आजाद होने का पता चल जाता है और वहीं वो उस राक्षस को कैद करने के लिए पहुंच जाती है। मुझे पता था तुम एक न एक दिन मेरे शराब से आजाद हो जाओगे, इसलिए मैंने पहले से तुम्हें कैद करने की तैयारी की हुई है। ये बोलकर वो रानी बोतल का ढक्कन खोलती है और वो राक्षस खुद ब खुद उसके अंदर कैद हो जाता है। ऐसे बहुत समय गुजर गया। आज के दिन सुंदरपुर गांव में पिंटू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसने वही गांव में एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे अपने रहने का ठिकाना बनाया हुआ था, वो वहीं रहा करता था। ऐसे एक दिन पिंटू समंदर के पास खड़े होकर कुछ सोच रहा था। पानी में बहकर आए पुराने सामान को बेचकर मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा, अब मुझे कोई नया काम शुरू करना पड़ेगा। पिंटू एक आइडिया सोचता है। वो अपने घर में बहुत सारी खाली प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर आता है और उनसे एक नाव बनाने लगता है। ऐसे कुछ ही दिनों में वो एक बहुत ही कमाल नाव बना लेता है। अब इस नाव में मैं समंदर में दूर दूर जाऊंगा और बहुत सी मछलियां पकड़ूंगा और उन्हें बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। पिंटू अपनी उस नाव को समंदर में ले जाता है और मछलियां पकड़ने लगता है। उसकी नाव का बहुत हल्का होने के कारण वो समंदर की लहरों से समंदर में बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। अरे मैं तो अपने गांव से बहुत ज्यादा आगे निकल आया हूँ और अभी कुछ ही देर में रात हो जाएगी, मुझे तुरंत गांव की तरफ वापस जाना होगा। वो ऐसे सोच ही रहा था कि वहीं सामने उसे एक छोटा सा टापू दिखाई देता है।
उस टापू पर बहुत सारा सोना भी था। पिंटू तुरंत अपनी नाव को उस टापू की तरफ ले जाता है। पिंटू उस टापू पर पहुंच के उस सारे सोने को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरी तो लाइफ बन गई, अब तो मैं बहुत धनवान हो गया हूँ। बस उस दिन से पिंटू बहुत धनवान हो गया। उसने सोने को बेचकर एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर घर बनवाया और बहुत सारे महंगी महंगी कारें भी खरीदी और मजे से अपनी जिंदगी जीने लगा। मैजिकल जॉइंट फायर सुपर बाइक। बहुत दूर कुछ लुटेरे खजाने की तलाश में एक बहुत ही खतरनाक टापू पर पहुंच गए थे। उस टापू पर बहुत विशाल कंकाल पड़े थे। हम उस नक्शे की मदद से इस टापू तक पहुंच तो गए, लेकिन जिस खजाने का उस नक्शे में लिखा हुआ था वो तो मुझे इस टापू पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहे हैं तो ये विशाल कंकाल, अब हम इनका क्या करेंगे। वैसे वहीं एक लुटेरे को एक बहुत ही बड़ी खोपड़ी की मूर्ति नजर आती है और उसकी आंख में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वहीं वो लुटेरे उस मूर्ति की तरफ जाने लगते हैं। जब वो उस मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो उस मूर्ति की आंख में लगा वो पत्थर और भी तेज चमकने लगता है और वहां से उड़कर उन लुटेरों के सामने गिरता है। ये देखकर वो लुटेरे बहुत आश्चर्य होते हैं। ये तो कोई मुझे जादुई पत्थर लग रहा है, हम इसे बेच दें तो बहुत पैसे मिलेंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। वो लुटेरे उस पत्थर को लेकर अपनी नाव से जा रहे थे कि वहीं वो पत्थर बहुत तेज चमकने लगता है और उस पत्थर की शक्ति जागृत हो जाती है और वो पत्थर अपनी शक्ति से उन लुटेरों की नाव को आग लगा देता है। तो वो नाव टूटने से वो सब लुटेरे और उनकी वो नाव समंदर में डूब जाते हैं और वो जादुई पत्थर भी समंदर में कहीं खो जाता है। ऐसे बहुत समय गुजर जाता है और वो जादुई पत्थर पानी में बहते बहते सुंदरपुर गांव के पास पहुंच जाता है। वहीं पास में पिंटू नाम का एक अनाथ लड़का पानी में बह कर आई खाली प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा कर रहा था, तो वहीं उसकी नजर उस जादुई पत्थर पर पड़ जाती है। पिंटू उसके पास जाता है और उस पत्थर को उठा लेता है। ये पत्थर तो बहुत सुंदर है, मैंने आज से पहले ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा। ये पत्थर जरूर अंतरिक्ष से आया होगा। मैं ये पत्थर प्रोफेसर मिश्रा को दिखाता हूँ, उन्हें इसका पता होगा कि ये पत्थर कहाँ से आया है। वो प्रोफेसर मिश्रा एक बहुत ही खतरनाक और छात्र साइंटिस्ट था। उसने अपनी लैब में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी और बहुत सारी अजीब अजीब मशीन्स भी बनाई हुई थी। पिंटू वो पत्थर प्रोफेसर मिश्रा के पास ले जाता है और उसे दिखाकर सारी बात बताता है कि ये पत्थर उसे कैसे मिला और कहां से। वहीं उस पत्थर को देखकर प्रोफेसर मिश्रा को बहुत लालच आ गया और कुछ सोचने लगा। ये पत्थर तो मुझे बहुत कीमती लग रहा है, ये पत्थर इस लड़के के पास नहीं मेरे पास होना चाहिए। मुझे अब इस लड़के से किसी भी तरह से ये पत्थर छीनना पड़ेगा। अरे ये तो कोई कीमती पत्थर नहीं है, ये तो ऐसे ही कोई साधारण पत्थर है। समंदर में ज्यादा देर रहने की वजह से ये ऐसे ही हो गया है। ये बस एक साधारण पत्थर है, ये तुम मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। प्रोफेसर मिश्रा की ये बात सुनकर पिंटू को उस पर शक हुआ और पिंटू कुछ सोचने लगा। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, ये पत्थर जरूर बहुत कीमती होगा इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा वरना ये मुझसे मेरा ये पत्थर छीन लेगा। नहीं, मुझे ये पत्थर नहीं बेचना। ये बोलकर तुरंत पिंटू वहां से भाग जाता है। पिंटू उस पत्थर को लेकर भागते भागते अपनी झोंपड़ी के पास पहुंच जाता है। वहीं प्रोफेसर मिश्रा भी अपनी एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस लेकर पिंटू का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाता है। अब कहां जाओगे बच के, ये पत्थर तो मैं तुमसे छीन के ही रहूंगा। चुपचाप ये पत्थर मुझे दे दो वरना इस डिवाइस से मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। पिंटू खतरे में था, इससे उस पत्थर की शक्ति जागृत हो जाती है और वहीं वो पत्थर अपनी शक्ति इस्तेमाल करके पास में पड़े पिंटू के
एक छोटे सुपर बाइक के खिलौने को एक बहुत बड़े जॉइंट फायर सुपर बाइक में बदल देता है और उस फायर सुपर बाइक से प्रोफेसर मिश्रा पर हमला करके उसे जलाकर नष्ट कर देता है। बाद में दोबारा से वो जॉइंट फायर सुपर बाइक एक खिलौने में बदल जाती है।